अगली बड़ी खबर कृष्ण नगरी मथुरा से है, जहां वृंदावन के युगल घाट स्थित देवी मंदिर में बांके बिहारी मंदिर के सेवायत दो गोस्वामी भाइयों पर 12 लोगों ने हमला कर दिया। आरोपियों ने मंदिर पर पथराव और फायरिंग की। इस घटना में दोनों गोस्वामी भाई घायल हो गए। पीड़ित गोस्वामी ने घटना की शिकायत कोतवाली में दी है। बांके बिहारी मंदिर के सेवायत मयूर गोस्वामी ने कोतवाली में दी उनकी शिकायत में लिखा है कि रविवार दोपहर वो बांके बिहारी मंदिर में खड़े थे। आरोप है कि तभी राजपुर निवासी एक युवक ने उनकी जेब में हाथ डालने लगा। उन्होंने इसका विरोध किया तो युवक ने गाली गलौज कर मारपीट पर उतारू हो गया और धमकी देकर चला गया। मंदिर के पट बंद होने पर वो अपने भाई विशाल गोस्वामी के साथ जैसे ही युगल घाट स्थित देवी मंदिर पहुंचे तो वहां आरोपी युवक 12 लोगों को साथ बैठा कर मिला। मयूर गोस्वामी ने बताया कि वहां हमलावरों ने लाठी और सरिया से उन लोगों पर हमला बोल दिया और फायरिंग की। मंदिर पर पथराव भी किया गया। हमले में मयूर और उनका भाई विशाल गोस्वामी घायल हो गए हैं। हमलावरों ने उनके चाचा अटल बिहारी गोस्वामी को भी बंधक बनाकर रखा था। हमलावरों के जाने के बाद उन्होंने पुलिस को फोन पर सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल की। घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना रहा। आरोपी हमलावर पीड़ित के भाई के यहाँ काम करता है। कोतवाली प्रभारी संजीव कुमार का कहना है कि पीड़ित गोस्वामी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दोनों घायलों का मेडिकल कराया जा रहा है। मयूर गोस्वामी जी, अभी आप पर जो हमला हुआ था क्या कर रहे थे? साहब बिहारी जी मंदिर में आशीष गोस्वामी के पास में एक लड़का कार्यरत कर्मचारी है, उनके पास में कोई रामबाबू नाम का निषाद नाम है उसका, रामबाबू निषाद शायद, उसने मेरी जेब में पहले हाथ डाला। मैंने जब उसको टटोला पकड़ा, मैंने भाई जी क्या कर रहा है, तो अभद्र गाली भाषा का प्रयोग करने लगा। मुझसे बोला मंदिर से बाहर चल, मैं तुझे मंदिर के बाहर देखूंगा। और उसने मेरा गिरवान पकड़ के मेरे संग बदतमीजी करी, हाथापाई करके वो वहाँ से चला गया। फिर जब मैं अपने घर चला गया, कपड़े बदलने चला गया, उन्होंने मेरे कपड़े वगैरह सब फाड़ दिए थे, तो वो 10-15 लोगों के साथ लेकर अपने लोगों को इकट्ठा कर कर डंडा लाठी सरिया तमंचा हथियारों के साथ आए और उन्होंने यहाँ पर आके हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया। हम पर लाठी डंडों से पत्थरों से, देखिए साहब कितनी गहरी चोट है, मेरे भाई के भी गहरी चोट है, उन पर लाठी डंडों से उन्होंने मारा। यहाँ से उन्होंने गोलियाँ चलाई हैं हम पे। ये सारा पथराव करके मंदिर के गेट पर उन्होंने पथराव किया है। हमको जान से मारने की धमकी देके गए हैं कि तुम्हें जब भी मौका मिलेगा हम तुम्हें जान से मार देंगे। हमारी शासन प्रशासन से एक ही अपील है कि हमारे जान माल की सुरक्षा करी जाए और ऐसे निर्दयी अपराधियों को पकड़ के जेल में डाला जाए, जिससे कि इस तरीके के वृंदावन में अन्य कोई घटना वारदात ना हो। सीसीटीवी कैमरे में भी साहब उनकी पूरी फुटेज हमने है, हमने प्रशासन को भी पूरी फुटेज मुहैया कराई है। हम ये चाहते हैं कि हमारी जान की रक्षा करी जाए और इन दहशतगर्दों को जेल में पहुंचाया जाए, प्रशासन इनको सख्त से सख्त कार्रवाई करके इनको, इसके पीछे हाथ इनके आशीष गोस्वामी का है, वो ही ऐसे गुंडे असामाजिक तत्वों को अपने पास पाल के रखता है। मंदिर में लूट भी कराता आशीष का, हमने कई बार नाम सुना। हमने पहली जी में एक बार भी हमने प्रशासन को कराई थी एक कंप्लेंट, परंतु इस तरीके के जानलेवा हमला ब्रजवासियों पे ब्राह्मणों पे अगर होगा तो हमारे तो वृंदावन में रहना ही मुश्किल हो जाएगा साहब। फायर हुए थे साहब, उन्होंने 3 गोली यहाँ से चलाई हमारे ऊपर, वो तो भगवती के द्वार पे हमारी जान की रक्षा लगी थी, बच गए नहीं तो हमको तो हम कहीं ढेर पर ही पाते। देखिए कितना भयंकर घाप देखे गया, पीछे भी चार थे मेरे, यहाँ लटिया दी थी उसने मेरी, पीछे देखिए इसकी तहरीर लेके जब थाना वृंदावन जा रहे थे तो इन्हीं के भाई और इनके साथियों के ऊपर आरोप है, उन्होंने आके इनके साथ मारपीट करी। इस संदर्भ में सुसंगत धाराओं के अंदर अभियोग पंजीकृत किया गया है। सीसीटीवी के अंदर फुटेज आई है, उस आधार पर लोगों को हिरासत में लिया गया है, बाकी लोगों की शिनाख्त की जा रही है और विधि को लेकर आत्मक कार्रवाई प्रकरण में की जा रही है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।